कृष्णत्वदीय पदपंकज पंजरांते यद्यैव मे विशत्मानसराजहंसः प्राणः प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। प्रभुर नंद कुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। एकादशी के इस सत्संग पर्व पर जहां हम प्रति एकादशी किसी न किसी विषय को लेकर या प्रस्तुत एकादशी की माहात्म्य को लेकर सत्संग करते हैं, उसी सत्संग की श्रृंखला में आज भगवत कृपा से निर्जला एकादशी के संदर्भ में जो जेठ मास की एकादशी है, उस एकादशी के ऊपर यत्किंचित संसक्त करने के लिए, यत्किंचित आपसे वार्तालाप करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। कहा जाता है निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में शिरोमणि है, अर्थात इसका जो एकादशी महात्म्य में वर्णन है अभूतपूर्व रूप से। कहीं कहीं इसे पांडव एकादशी भी कहा जाता है, कहीं कहीं इसे भीम एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि महाभारत के कुछ प्रसंगों के साथ भी इसकी संगति को शास्त्रों ने कहा है। इतदर्थ इसे भीम एकादशी भी कहा जाता है। और पांडव एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि भीम पांडव परिवार से थे, इसलिए उस पांडव एकादशी का भी क्रम इसी को कहा गया है। वस्तुतः निर्जला एकादशी का महात्म्य तो अन्य सभी जितनी भी एकादशियां हैं उन सभी एकादशियों में इस प्रकार से वर्णन किया गया है कि जहां भी चतुर्दश जो प्रकार से 24 एकादशियों के क्रम से जितने भी क्रम दिए गए कहा गया, तो कहीं कहीं कई संप्रदाय में केवल 14 एकादशियों का व्रत है, चतुर्दश एकादशियों का। श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं परजयंत एकादशी नाम व्रतम दैवत्वेन गुरोर अनुग्रह वशात जाता प्रपत्तिर यदा सृग पुंड्रादि विधारयेत परजयंत एकादशी नाम व्रतम धर्मम भागवतम चरेत हरिकथाम आचार्य भक्तार्चनम पापम तद्विमुखान अनर्पित भुजिम चान्याश्रय वर्जयेत। तो वहां से आचार्य चरणों में वर्ष में आने वाली 24 एकादशी और 4 जयंतियों के व्रत को बताया है। अगर किसी वर्ष अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, तो वहां 26 एकादशियों का भी वर्णन मिलता है। तो 26 और 4 इस प्रकार से वर्ष में एकादशियों का व्रत करना चाहिए, लेकिन उन सभी में निर्जला एकादशी को विशेष महत्व और महात्म्य इसलिए कहा गया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज की जो एकादशी है वो त्रिफला एकादशी है, माने इसका प्रारंभ दशमी की रात्रि से हो रहा है। एकादशी व्रत एकादशी के दिन होगा और संध्या काल में एकादशी के दिन ही द्वादशी पूर्ण होकर त्रयोदशी भी लग रही है। तो सूर्योदय जब द्वादशी के दिन हो रहा है, त्रयोदशी के दिन जब हो रहा है, तब त्रयोदशी प्राप्त हो जा रही है। तो इस प्रकार से तीन तीन तिथियों का इस एकादशी के दिन समन्वय होना इसे त्रिफला एकादशी कहते हैं। और निर्जला के दिन जब त्रिफला पड़ी है तो ये जो वैष्णव हैं उनके लिए परम सौभाग्य का विषय है कि जैसे दशमी के दिन संध्या काल 5:15 पर स्पर्श हो रहा है, तो उस समय से अन्न का त्याग कर देना चाहिए, जल ग्रहण कर सकते हैं। और एकादशी के दिन आज के दिन सुबह 5:55 पे 55 पर सूर्योदय जब हो रहा है उस समय से जल का भी हमें त्याग करना चाहिए, क्योंकि निर्जला है। तो अन्न जल का त्याग है, जल का भी उस समय में त्याग है। फलाहार आदि भी अगर हम न लें तो बहुत श्रेष्ठ बात है, क्योंकि फलाहार लेने से और हमें क्षुधा लग सकती है और हमें प्यास लग सकती है, तो तृष्णा न लगे एतदर्थ उसमें भी हम सीमित रूप से प्रकार लिया जाए। तो कुछ न लें वही सर्वश्रेष्ठ रहेगा,
निर्जला है और जल और फलाहार ग्रहण करने का जब हम त्रयोदशी के दिन सुबह माने बारस शाम को लग गई इसलिए त्रयोदशी दूसरे दिन आ जा रही है, तो उस दिन सवेरे सूर्योदय के पश्चात हम अन्न जल ग्रहण करें, तो इस प्रकार से यह पूर्ण व्रत होगा। प्रयजयंत परजयंत एकादशी नाम व्रतम, जो श्री आचार्य चरणों की आज्ञा है कि हमें एकादशी व्रत के साथ साथ जयंतियों का भी व्रत उपवास करना चाहिए, यह वैष्णवी परंपरा में इसे स्वीकार किया गया है। माता कुंती जी, धर्मराज, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। भीम से एकादशी का व्रत नहीं होता था, उन्हें अन्य के तुलना में अधिक क्षुधा लगने से वो एकादशी का व्रत नहीं करते थे। भगवान व्यास जी के पास गए, व्यास जी के पास जाकर भीम ने कहा कि भगवान मुझे एकादशी व्रत करने की इच्छा तो होती है लेकिन मुझे भूखा नहीं रहा जाता है, तो कुछ उसका मार्गदर्शन पथदर्शन प्रकट करें आप और हमें बताएं कि इस प्रकार से कैसे एकादशी का व्रत किया जा सके और हम किस प्रकार से करें। तो भगवान वेदव्यास जी ने भीम को मार्गदर्शन देते हुए कहा कि तुझसे और कोई एकादशी न हो तो होनी चाहिए, यह अनिवार्य है, लेकिन किसी कारण से अगर नहीं हो रही है तो तुझे ये निर्जला एकादशी का व्रत उपवास तो करना ही चाहिए, क्योंकि अगर तुम निर्जला एकादशी का व्रत उपवास रखते हो, वास रखते हो, तो तुम्हें शेष सभी 23 एकादशियों का फल प्राप्त इस एकादशी को करने से प्राप्त हो जाएगा। ये वरदान, ये आशीर्वाद भीम को व्यास भगवान ने दिया है और इसीलिए इसे भीम एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि भीम ने फिर व्यास जी की आज्ञा से इस एकादशी के व्रत को करना प्रारंभ किया, इसलिए महाभारत काल के बाद इस एकादशी को भीम एकादशी के रूप में, पांडव एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। तो विशेष रूप से जो जेठ मास की ये निर्जला एकादशी है उसका एकादशी महात्म्य के क्रम में बहुत विस्तृत वर्णन किया गया है, लेकिन जो साधक हैं, जो वैष्णवी परंपरा को मानने वाले हैं, जो स्वयं श्री ठाकुर जी को झारी धरते हैं नित्य प्रति मंगला में, श्रृंगार में, राजभोग में, अनवसर आदि की झारी चार समय में सुबह करते हैं, उत्तापन, भोग, संध्या, शयन और अनवसर पांच समय की झारी जो शाम को भरते हैं, इस प्रकार से जो दिवस में एकादश बार 11 बार ठाकुर जी को झारी अर्पण करके और नित्य प्रति अपनी अष्टायाम सेवा का निर्वाह करते हैं, उनके लिए निर्जला एकादशी के साथ साथ भगवत सेवा करना, भगवत सेवा के साथ साथ भगवत नामस्मरण करना, क्योंकि एकादशी का नियम में रात्रि जागरण भी आता है। जैसे हमने व्रत किया तो रात्रि जागरण करते हुए संपूर्ण रात्रि का जागरण भगवत नाम के साथ करना है, तभी वो पूर्ण रूप से एकादशी फलीभूत होती है। तो यत्किंचित ये सब शास्त्रों की आज्ञा हमें प्राप्त होती है, लेकिन साधक वैष्णव जो भी जितना कर सकें, क्योंकि कलौ भक्त्यादि मार्गा ही दुस्साध्या इति मे मति ही, कलिकाल में भक्ति मार्ग और उसके नियमों का पालन करना, आचार विचारों का निर्वाह करना और हम जो सिद्धांतों को, आचार विचार परंपराओं को, एकादशी आदि व्रतों के, जयंती आदि व्रतों के उपवास का जितना भी हम समन्वय करके इनका इतिहास जानते हैं, इनकी वार्ता जानते हैं, उनके नियमों का पालन करना कलिकाल में धीमे धीमे बहुत दुष्कर, बहुत कठिन होता जा रहा है। अभी कई वैष्णवों ने हमसे पूछा कि दिन भर हम अगर एसी में बैठे रहते हैं तो संभव है कि हमें प्यास कम लगे और हम निर्जला एकादशी कर लें, तो ऐसा हो सकता है? अब इसकी आज्ञा हम कैसे दे सकते हैं कि आप दिन भर एसी में बैठे रहें? अगर आप भगवत सेवा भी एसी में कर रहे हैं, आप जागरण भी एसी में कर रहे हैं, जितना कंफर्ट जोन आप अपने फिजिकल अपीयरेंस को, फिजिकल बॉडी को देते हैं, इतना ही आप में प्रमाद उत्पन्न होता है, और जितना ही प्रमाद उत्पन्न होता है, प्रमादी व्यक्ति अन्य के द्वारा किए हुए प्रयोगों को भी अपने अनुष्ठान, अपनी साधना से नष्ट नहीं कर सकता है। मुझे अभी कल या परसों किसी ने पूछा था कि कोई हमारे स्वजन हैं, कोई हमारे पार्टनर्स हैं, वो हम पर इस प्रकार से कुछ अनिष्ट प्रयोग कर रहे हैं,
कोई हमारे पर कोई इस प्रकार से मैली विद्या कर रहे हैं, तो उसका असर हमें वैष्णवों को होता है या नहीं होता है? वैष्णवों को नहीं होता है। इष्ट आराधना करने वाला व्यक्ति अपने इष्ट के चरणारविंद में अनन्य रूप से, दृढ़ रूप से समर्पित जिसकी आसक्ति है, जिसको अपने इष्ट के ऊपर ऐसी अनन्य श्रद्धा है कि जाको राखन हार है माखन चाखन हार, बाल न बांको कर सके को लाख करो उपचार, ऐसी जिसके मन में दृढ़ भावना है, हाँ, अन्य के द्वारा किए हुए मलिन प्रयोगों का असर कब साधक पे, वैष्णव पे कब हो सकता है? जब आपका नित्य भगवत सेवन छूटे, जब आपकी स्वयं की नित्य भगवत भजन की, नित्य अनुष्ठान की, नामस्मरण की, सत्संग की, नित्य नियम संध्या वंदन आदि नित्य कर्म जब आपका छूटने लगे और उसमें आपको प्रमाद उत्पन्न होने लगे, तो समझना चाहिए कि किसी अन्य का प्रयोग अब धीमे धीमे सफल हो रहा है। क्योंकि जो भजन करता है, जो साधना करता है, उसे अन्य के प्रयोगों से कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। जिसने अपने इष्ट की आराधना करते हुए, अपने इष्ट के चरणों को प्रबल रूप से समर्पित होते हुए, अगर जिसने अपने प्रभु को प्रसन्न करते हुए उसकी नाम सेवा, स्वरूप सेवा, नित्य सेवा आदि अपने नित्य क्रम से किया है, आचार विचार का पालन किया है, व्रत उपवास आदि का पालन किया है, गुरुजनों के आदेश और उपदेश इन दोनों का निरंतर आग्रह रखते हुए अपने जीवन में जिसने अनुष्ठानात्मक रूप से उसका निर्वाह किया है, हमें लगता है कि उस पर किसी के अन्य कई प्रकार के कोई भी प्रयोग कर ले, हमारे भगवत कृपा से हमारे माथे विराजते स्वरूप उसे कभी सफल नहीं होने देते हैं। खैर, ये बात रही तो अपने नित्य जीवन के नित्य क्रम की, जहाँ कलौ भक्त्यादि मार्गा ही दुस्साध्या इति मे मति ही, श्री आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं, तो भक्ति मार्ग दुस्साध्य और उसके पालन का सब क्रम आचार विचार आदि दुस्साध्य तो हो ही रहे हैं, ऐसे विपरीत समय में भी, प्रतिकूल समय में भी हम अनुकूलता अपनी खोज कर, अनुकूलता हमारी निकाल कर जब हम भगवत कार्य में प्रवृत्त होते हैं, तभी हमें अपनी साधना का, अपनी भगवत सेवा का, एकादशी आदि व्रतों को करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। तो आप सभी इस व्रत उपवास का पालन करें, निर्जला एकादशी करें और अपने प्रभु को प्रसन्न करते हुए निरंतर भगवत सेवा और भगवत स्मरण में अपने चित्त को, मन को, बुद्धि को और अपने अंतःकरण को प्रवृत्त करें। यही अभ्यर्थना युगल चरणारविंद में करते हुए आप सभी श्रोतागण के हृदय में विराजमान परम प्रेमी परमात्मा के चरणों में अपने शब्दों को समर्पित करते हुए, वाक् सुमन समर्पित करते हुए अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु।